जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह परसुमित लाइव न्यूज के डायरेक्टर एंड ओनर। यहां दोस्तों आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे बिहार के भोजपुर जिले के पीरो शहर में पीरो अनुमंडल में सामूहिक शादी जो है कार्यक्रम जो है दूसरी बार भव्य तरीका से प्रारंभ होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वरी वेलफेयर फंड एंड ट्रस्ट को, जिसके ऑनर है राजू पाठक जी, जिनके कर कमलों द्वारा दूसरी बार पीरो शहर में सामूहिक शादी विवाह का जो कार्यक्रम है संपन्न होने जा रहा है, जिसका तारीख है 27 नवंबर 2023। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल भी इस सामूहिक शादी को पूरे भव्य तरीका से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, पीरो शहर के प्राण ग्राउंड में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि पूरे गरीब बस्ती के लोग, जितने भी गरीब लोग हैं, सभी लोग इस सामूहिक शादी में उपस्थित हुए, वर वधु जोड़े जो है उपस्थित हुए और उनका जो है अच्छे से विवाह कराया गया। जी हाँ दोस्तों, इस परमेश्वरी वेलफेयर एंड ट्रस्ट और सामूहिक विवाह के कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारे समाज में जितने भी वर और वधु यानी लड़के और लड़की पक्ष के शादी नहीं करा पा रहे हैं, पैसे के अभाव में चाहे किसी बेटी, किसी बहू, किसी बहन का जो है शादी नहीं हो पा रहा है, तो इस ट्रस्ट के माध्यम से, हमारे राजीव पाठक जी के माध्यम से ऐसा जो है कार्यक्रम जो है शुरुआत किया गया है और आने वाले दिनों में हर जगह कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा। फिलहाल जो है हमारे पीरो शहर में इस कार्यक्रम को करा जा रहा है और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि केवल शादी ही नहीं, वर वधु पक्ष के दोनों पक्ष जो है रहने खाने पीने सारा चीज व्यवस्था है। वर वधु का जो है कपड़ा लाता जोड़े होते हैं, जो शादी के जोड़े होते हैं, साड़ियां भी, मतलब लगभग 7 जोड़े साड़ियां भी मिलता है इसमें। साड़ी ही नहीं बल्कि उनको जो है रहने के लिए, मतलब जो गद्दा होता है, बेड होता है, तोशक तकिया कुर्सी, मतलब जितने भी, मतलब कन्यादान के रूप में जो बाप जो है देते हैं शादी के बाद, ये सारा वस्तुएं जो है इस सामूहिक शादी में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम आग्रह करेंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है और आपको बता दें कि बहुत सारे हमारे समाज में गरीब बस्ती में गरीब लोग रहते हैं, जिनके अभाव बहुत सारे जो है पिछड़े हुए हैं, तो उनका जो है शादी यहाँ पर होगा। और एक और ताजा खबर है कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग इस सामूहिक शादी में आ सकते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस सामूहिक शादी में भाग लेकर शादी करा सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि हिंदू रीति रिवाज और परंपराओं के माध्यम से ही इस सामूहिक शादी में, जो कि सामूहिक विवाह में शादी होगा, जो कि वर वधु जोड़े आएंगे, तो कहीं से भी देश के, हमारे भारत देश के कोने कोने से आप कहीं से भी आइए, लेकिन आपका इस सामूहिक शादी में स्वागत है। और हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वरी वेलफेयर एंड ट्रस्ट के माध्यम, जो कि इस कार्यक्रम को जो है हमारे पीरो शहर में आयोजन कर रहे हैं। पिछले साल इसमें 101 वर वधु को जो है आंकड़ा रखा गया था, हालांकि लगभग 21 जो है वर वधु जो है इसमें शादी हुआ था। इस बार जो है हम लोग आशा करेंगे, पूरा विश्वास है कि सभी लोगों के मदद से जितने भी गरीब लोग हैं इस सामूहिक शादी में उपस्थित होंगे और उनका शादी ब्याह होगा। जो भी मंदिर, चाहे कहीं भी मस्जिद में भी शादी करते हैं, चाहे सिख गुरुद्वारा, चाहे कहीं पर भी शादी करते हैं, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। जहाँ पर आप शादी करते हैं वहाँ पर तो कुछ लाभ नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लाभ आपको दिया जा रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आइए और अभी रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि जो है 27 नवंबर का जो है इस सामूहिक शादी में आप उपस्थित होकर अपने वर वधु को आशीर्वाद भी दीजिए और सभी लोगों का। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एक बड़ा और भी कार्य होने जा रहा है, जो कि भोजपुर दर्पण का जो है शुभारंभ किया जाएगा राजीव पाठक जी के माध्यम से, परमेश्वरी वेलफेयर एंड ट्रस्ट के माध्यम से। यह दर्पण ऐसा है कि हमारे जिले में, हमारे भोजपुर जिले में कोने कोने तक यह दर्पण जो है भ्रमण करेगा और जितने भी इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराने का कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भोजपुर ही नहीं, पूरे बिहार राज्य में इस दर्पण को आने वाले समय में लागू किया जाएगा, तो हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वरी वेलफेयर एंड ट्रस्ट के माध्यम से, जो राजीव पाठक जी सब करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पाठक जी, आने वाले समय में इसको बड़ा लेवल तक इस कार्यक्रम को रखिए, ताकि जितने भी गरीब लोग हैं उनका जो है उपकार हो सके। आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।